बीजापुर से, जहां मुठभेड़ में महिला नक्सली ढेर हो गई है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के टैकुन गुंडम में ये मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग में महिला नक्सली का शव मिला है। मौके से 3 राइफलें भी बरामद हुई है। कोबरा बटालियन और पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, मुठभेड़ में महिला नक्सली भी ढेर हुई है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के टैकुल गुंडम में ये मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग में महिला नक्सली का शव मिला है। मौके से 3 राइफलें भी बरामद की गई हैं। कोबरा बटालियन और पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ पूरा तो पवन दुर्गम फोन लाइन पर जुड़ गया। पवन, महिला नक्सली का शव मिला है, मौके पर कौन कौन है और क्या मीडिया के सामने भी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है? देखिए, बासागुड़ा अति नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए इस तरफ जब भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन या एरिया डोमिनेशन पे जब टीम निकलती है तो संयुक्त तौर पर वहाँ पे टीम निकलती है। इसमें इस मुठभेड़ में कोबरा 204, सीआरपीएफ 168 और जो बासागुड़ा थाने की जो पुलिस है, वो तीनों कल निकले थे एरिया डोमिनेशन पर एंटी नक्सल ऑपरेशन में। आज जब टीम वापस हो रही थी, सब नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में के बाद जब सर्चिंग की गई तो एक महिला नक्सली का शव और 3 जो राइफल देसी जो बंदूक है वो वहां से बरामद हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।